मुख्य अतिथि का स्वागत वस्त्र भेंट आपके द्वारा हो। सर को दीजिए, आगे से दीजिए सर को। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं तो बराबर ही यहाँ आया करता हूँ। इतना सुंदर व्यवस्था, ऐसे तो मैं बता दूं कि महेश जी हमारे मित्र हैं। और ये जो दयानंद आवासीय विद्यालय का इन्होंने निर्माण किया था, तब से लेकर मैं आज तक देख रहा हूँ उनकी आस्था और उनकी कृपा। बहुत कुछ बोलना है और बोलूंगा भी। मैं सबसे पहले मैं अभिवादन करना चाहूंगा हमारे अगर जीवन पुल हमारे साथ बैठे हुए हैं समाज सेवी साथ ही साथ बकोरापुर काली मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री यज्ञ नारायण तिवारी जी हमारे घर जीवन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके बीच अभी जिन्होंने इतनी सरलता से और इतने सुगमता से अपने सुंदर विचार को रखा है, वाकई तरीके काबिल है। और इनके बारे में यदि मैं बताऊं तो बहुत ही कम होगा। ये वो चाणक्य हैं जो हमारे जैसे अनेकों चंद्रगुप्त को पैदा किए। मैं तो कुछ नहीं, इन्होंने मुझे इतना बड़ा स्नेह दिया जो मैं कल, और इन्होंने मुझे इस तरह का स्नेह दिया और आशीर्वाद दिया कि आज मुझे यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आने का मौका मिला। ये सब श्रेय हमारे बड़े भैया आदरणीय गर्जीवन श्री रघुनाथ तिवारी जी का है। तमाम अतिथि भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। मिश्रा जी हैं, मिश्रा पुस्तक भंडार के। मैं बचपन में, हमें याद है, इनको नहीं याद होगा, मैं दुकान से किताब खरीदा करता था। बड़ा अच्छा लगता है। बस शाहपुर के यही आपके बगल में मेरा धमोल गाँव है। हमारे बहुत सारे मित्र भी, युवा नेता पंकज तिवारी जी यहाँ मौजूद है, हमारे छोटे भाई राजा तिवारी, रजनीश त्रिपाठी और हरिराम उपाध्याय जी भी हैं, और भी बहुत सारे शिक्षक गण यहाँ पे मौजूद हैं। सबको मैं चाहूंगा कि इन लोगों के लिए जोरदार ताली आप लोगों के लिए हो। बहुत ही सुंदर और कर्तव्यनिष्ठ। मैं आपको एक राज और बताना चाहूंगा। ये जो स्कूल है स्वामी दयानंद आवासीय विद्यालय, दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर तिवारी। शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा मूल शंकर तिवारी इनका बचपन का। और हमारे निश्चित तौर से उनके आदर्श में हम चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती तो एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी भी थे और इतने सुंदर ढंग से उन्होंने रचना की, बहुत ही तारीफ काबिल है, बहुत ही अच्छा है। और महेश जी की यदि मेहनत की बात की जाए तो वो कहते हैं कि मैं भले अपने आप को कुछ ना बना पाऊँ, लेकिन हमारे बच्चे यदि IAS IPS बन जाए तो हमारा नाम उसी में है। आज तक मैं पहला डायरेक्टर देखा इस स्कूल का जो 20 साल हो गया, लगभग 20 साल हो गया, आज दूसरी वर्षगांठ है इस स्कूल का। मैंने देखा बहुत सारे स्कूल में डायरेक्टर लोग अभी एक साल दो साल होते हैं, 200-400 भी स्टूडेंट रहते हैं तो वो फोर व्हीलर मेंटेन करने लगते हैं, लेकिन ये पहला शख्स, एक ऐसा संचालक, एक ऐसा मैंने व्यवस्थापक देखा, एक ऐसा डायरेक्टर देखा कि आज भी पैदल बस की सवारी करते हैं। धन्य है, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए आप लोग। और आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि आपके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जिनकी विचारधारा, जिनकी मानसिकता अपने आप में अव्वल है। और इनका विचार तो मैं क्या बताऊं, इन्होंने जब भी मुझे फोन करते हैं ये कहते हैं कि हमारे ये रानी सागर स्कूल में हमारे जितने भी गर्जीवन है सारे भावुक हैं और इतने अच्छे हैं, इतना मेरा साथ देते हैं कि मैं ऐसे बस्ती में बच्चों को पढ़ाने में सफल हुआ हूँ तो उन अभिभावक की देन है। ये सारे अभिभावक मुझे काफी कॉपरेट करते हैं, साथ ही यहाँ के जितने भी शिक्षक थे वो भी काफी मेरा साथ देते हैं। आपने देखा शंभू जी जो कि हमारे मन से चालू कर रहे हैं, कितने सुंदर ढंग से इन्होंने कुमार विश्वास की कविता पढ़ी। कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कितने अच्छे संचालन। इनके लिए भी ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। सब लोग अपने आप में एक हीरा है और निश्चित तौर से ऐसे हीरे की तलाश तो कोई जौहरी कर सकता है। महेश जी वो जौहरी है हमारे मित्र जिन्होंने सारे हीरो को अपने पास रखा है। बहुत ही अच्छा, जब ऐसे ऐसे लोग इस विद्यालय में होंगे तो वाकई इस विद्यालय की खूबसूरती बढ़ेगी। और मैं तो बस इतना ही जानता हूँ जितने भी हमारे पूजनीय गुरुजन, जो भी हमारे माता भवन, जो भी यहाँ पे जो भी छात्र हैं,
मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि संभले को अगर संभालोगे तो नाथ भड़ाई क्या होगा, संभले को अगर संभालोगे तो नाथ भड़ाई क्या होगा, तारीफ है उसे बचाने में जो फंसे हुए बचाओ। बड़े बड़े प्राण को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, प्राण बनाइए, वो आप ही बना सकते हैं, आप में वो जज्बा है, क्योंकि सारी दुनिया आपके जज्बे को सैल्यूट करती है। जब तक आप अपने आप को समझेंगे नहीं तब तक कोई भी ब्रांड नहीं बन सकता है, क्योंकि कोई भी ब्रांड बना है तो आपके चाहने से। साथ ही साथ जितने भी युवा वर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा ये जो मंच है, जिस मंच का मैं अध्यक्ष हूँ, राष्ट्र युवा संघ, ये सिर्फ नौजवानों के लिए बनाया गया है, और हम लोगों ने भी एक शपथ लिया है कि जितने भी नौजवान हैं उनको आगे बढ़ना होगा, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा, और आगे बढ़कर हमें अपने राष्ट्र को बचाना होगा, अपने जिले को बचाना होगा। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है। जब तक युवा जागे हैं तब तक इतिहास बना है, और आप युवाओं को आगे बढ़ना होगा। यदि आप सब हमारे साथ देंगे तो निश्चित तौर से युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी, हमारा भोजपुर जिला आगे बढ़ेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। इसके साथ मैं अपने बालिकों को विराम देना चाहूंगा।